Hey, yo, my lovelies, welcome back to my channel. And आज है साल की मेरी पहली वीडियो. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. एंड आज ही हम कुछ फन करने वाले. सबसे पहला चेंज तो ये है कि वैसे वीडियो सुबह या दिन में शुरू होती है, आज रात को ही शुरू हो गए एक दिन पहले. सो या मुझे जो इंस्ट्रक्ट किया गया था मैंने वो ही किया है. एंड आज हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही वायरल जो गेम चल रहा है, लाइक रील्स पे आपने देखा होगा, दो कार्ड्स दिखाते हैं एंड देन जो जो एक बंदा चूज करता जाता है वो उसको करना रहता है. उसमें तो मजे ही मजे होते हैं, सबके अच्छी अच्छी चीजें होती हैं. इसमें टास्क होंगे और मतलब कुछ भी जो भी लिखा होगा मुझे वो करना है बेसिकली. सो मुझे कहा गया था कि रात से ही शुरू कर देना. सो वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ एंड लेट्स सी पहला टास्क या पहला जो भी है वो क्या है. आई एम क्वाइट एक्साइटेड. वेकअप एट 9 एंड मेक ब्रेकफास्ट फॉर फैमिली. बस उठना इतनी ठंड में 9 बजे थोड़ा पहले. क्या था ये? गो एंड गेट ब्रेकफास्ट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड. ये इजी था, ये डिफिकल्ट था थोड़ा. ठीक है, मतलब अभी ये टास्क सिर्फ अभी शुरू हुआ है. मुझे सुबह 9 बजे उठना है और मैं प्रूफ दिखाऊंगी आपको कि मैं 9 बजे उठी हूँ. डोंट वरी. बट थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, 9 का 9:30 नहीं हो सकता. गुड मॉर्निंग. एंड सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट ही बनाना है उठ के. सो मैंने सोचा है कि मैं सूजी के सैंडविच बनाऊंगी. उसके लिए पहले तो ब्रेड मंगवानी पड़ेगी. बट बाकी का जो प्रिपरेशन है, जो अवेलेबल है मेरे पास, जो बैटर है उसका मेन, वो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ. वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है. इट्स वेरी टेस्टी एंड ईजी भी होता है, फटाफट बन भी जाता है. सबसे पहले तो हम आलू और मटर बॉईल करने डालेंगे. सो मैं ना इसको कॉर्नर से डाल देती हूँ और बीच में ये कटोरी प्लेस करती. फॉर द बैटर सबसे पहले तो हम छोटा सा कप एक सूजी का ले रहे हैं, थोड़ी सी मलाई, ये दूध और पानी का मिक्सचर है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे. इसको अब 10 मिनट्स छोड़ देना है. बाकी सब सामान बाद में देना, जब तक सूजी थोड़ी वो हो जाए, प्रॉपरली फूल उल जाए. 10 minutes later. 10 मिनट हो गए, हमको इसमें सब कुछ मिक्स करना है. दैट्स इट. सबसे पहले जो हमारे बॉइल्ड आलू थे, फिर थोड़े से मटर जो हमने बॉइल किए थे, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड क्यूकम्बर, चॉप्ड कैरेट, सॉल्ट, रेड चिली, ब्लैक पेपर, चाट मसाला एंड सम मैजिक मसाला. आपका रिव्यू चाहिए ना, मेरे को मत डाल क्या. अच्छा तैयार नहीं हो अपनी आवाज. मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ यहाँ पे, तैयार होके घूम रही हूँ एकदम ऐसे नींद वाला मुंह लेके. अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना. आपके जैसा ही बना है ना, जैसा आप बनाती हो. और मेरा फर्स्ट टास्क पूरा हो गया, अब हम आपसे मिलेंगे सेकंड टास्क के साथ. ठीक है. वाओ, वायर ये काल थी. मुस्कान पे कौन दिख रहा है तुम्हें? नहीं, नहीं दिख रहा यार, उल्टे में. आईज आईज क्लोज करो तुम. उल्टे में कैसे दिखेगा क्या लिखा हुआ है? झूठी. दूसरा क्या था? बच गई मैं, बच गई. मुझे पता है, डाउट था. साहिल बोल रहा था अभी तो आपको पता चलेगा ठंड कितनी है. इतनी देर से सोच रही ये मैं नहाने जा रही हूँ, बोलता नहाने मत जाओ, नहाने मत जाओ. बहुत सारे क्लू तो उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिए थे, बोलता नहाने मत जाओ, नहाने मत जाओ. हॉट हॉट शावर. ये कोई ठंडे पानी से नहाता तो इसे लगता सब ठंडे पानी से नहा सकते ठंड में. मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ, मैं मतलब कम्बल में घुस के बैठ जाने वालों में से हूँ. नहा के आ गई मैं और ठंड में गर्म पानी से नहाने जैसी तो कोई बात ही नहीं होती. मतलब लक अच्छी आ गई, लक अच्छी. अब बारी है नेक्स्ट क्लू की, लेट्स सी क्या होता है. क्या करने दे गंगा आंटी को? झाड़ू पोछा करने दो. हमें कुछ बोलना हो तो, कुछ बोलना हो तो, हमें कुछ देना हो तो जल्दी कर. पहले मैंने कौन सा चूज किया था? नीचे वाला, ऊपर वाला? हाँ, नीचे वाला ही कर लिया है ना.
अरे मैं पूछ रही हूँ, पहले मैंने नीचे वाला किया था ना। अरे आप रखो, हाथ रखो, हाथ रखो आप। मेरा ऐसे ऑल्टरनेटिव चलता रहता, ऊपर वाला उठा दो। गंगा आती है, काम मैं करूंगी आज। मैं नहा के आई हूँ। क्या कर रहे हैं आपको कैसे लग रहा है आज? आपका काम आधा मैं करूंगी तो बुरा तो लगेगा ही नहीं। ये देखो पैरों में ये आइटम पहन के ये पोछा लगाया जा रहा है यहाँ पे। देख रहे हो मम्मी आपकी बेटी से क्या क्या करा है। कोई बात नहीं। ओ ओ सॉरी, यहाँ पे से लगा देना यहाँ पे। अबे साले गिला ज्यादा है, निचोड़ दे मैं सिनेमैटिक शॉट। पागल है, अब मैं रूम का लगाऊ। बस बंद कर, अब तू टाइम लैप्स ले ले मेरा। क्या है अब? बहुत बड़ा बड़ा लिखा कुछ दिख रहा है, पढ़ने में उल्टा तो आ ही नहीं सकता। अभी मैंने बोला कि मैं कोई रील शूट करनी थी या कुछ शूट करना था, मैं भूल गई। और आपने कैसे इतना दिमाग कहाँ से? मतलब गेट वेडिंग रेडी विथ हेयरडू एंड मेक रील, बाप रे उसके लिए टाइम नहीं है, अंधेरा हो जाएगा। नहीं तो वो तुम कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या था? वेयर नाइट वेयर एंड डू नाइट शूट। नहीं थी क्या ये वेडिंग वाला? ठीक है चलो करते हैं कुछ, शादी में ले चलो। बेड खराब करके मैंने ये ब्लाउज निकाला है, बहुत सुंदर है जो कि, और ये मेरे पास बाहर पड़ी हुई थी ऑलरेडी। दिस इज अ दुपट्टा, और देखो नीचे का किसी को नहीं दिखता, तो मैं नीचे कुछ भी नहीं पहनूंगी, मतलब कुछ भी पहन लूंगी। एंड ऊपर से शादी रेडी होना है ना सिर्फ रील के लिए, तो बस ऊपर का ही दिखता है इसमें। लेट्स गेट रेडी जल्दी से। I'm ready, ऊपर से नीचे से भी देखो, ब्लैक पहना है तो पता नहीं चल रहा है कि मेरे क्या पहना है। अब बाल बनाने हैं जल्दी से, बन बनाना है मुझे फटाफट। मैंने बन बना लिया खाली एक, एंड थोड़े से ये पर्ल्स डाल लिए। इस पर भी मैंने एक रील मतलब शॉर्ट्स भी बना लिया, यूट्यूब शॉर्ट्स। मतलब टैलेंट देख रहे हो आप दीदी का, टैलेंट। बस शायद धूप चली गई, बापरे मैं थी तेज भाग रही, मेरा बन खुल गया। धूप है तो सही, टाइमिंग पर मैं सेम जगह पे रील शूट करूंगी जो पिछले में कर रही थी, सेम कलर मतलब तो ब्लैक कलर ही पहना है और सेम ही जगह पे। तो मेरा ये टास्क हो गया ऑलमोस्ट राइट, मतलब रील बना ली मैंने और वेडिंग ऐसे चमकी चमकी। अभी थोड़ी और क्लिप्स लेनी पड़ेगी बाल ठीक करके। ओ ये कहाँ उतर आया? मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, दिस इज द सूरज क्लियरली दिख रहा है, एंड दिस इज द चांद। ये ऐसा मौका हम लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साइड सनसेट और एक साइड मून राइज तो गाना मून राइज गाने पे मैं थोड़ी बहुत ऐसे व्हील बना ली। मतलब मेरा ये टास्क भी पूरा हो गया, मैंने सारे टास्क अच्छे से। थोड़ी देर में जाके कंबल में बैठूंगी, बिकॉज मुझे बहुत टाइम लग रही है। चलो स्पगेटी डिनर, ये लोग खाए तो मैं तो बना दूं, मेरी तो फेवरेट है। दूसरा क्या था? अरे वैसे ये चूज करना था पंजाबी फूड। नहीं स्पगेटी ठीक है, पर उसके लिए लेने जानी पड़ेगी। आई एम फुली रेडी स्पगेटी लेने जाने के लिए, बिल्कुल एकदम डाकू वाले रूप में कवर्ड फुली, क्योंकि बहुत टेस्ट करना। लेट्स गो। स्पगेटी बोलो। तीन जगह घूमने के बाद इतनी ठंड में हमको स्पगेटी और ऑलिव ऑयल दोनों मिल गया। ऑलिव ऑयल तो मैं छोटा सा लाई हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ कोई नहीं खाता ऑलिव ऑयल वाली चीजें, सिर्फ ये स्पगेटी बनेगी। एंड लेट्स मेक इट नाउ। लेट्स डू अ टेस्ट टेस्ट। देखो एलियो ओलियो में क्या होता है कि ना फ्लेवर्स इतने नहीं होते हैं, यू जस्ट हैव गार्लिक नमक का फ्लेवर एंड थोड़े जो ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स में स्पाइसेस होते हैं। नॉट बैड,
नॉट बैड, आई क्वाइट लाइक इट, बट हो सकता है मैं पूरा ना फिनिश कर पाऊँ एंड मैं इसमें थोड़ा सा मैजिक मसाला मिला दूँ, बिकॉज वी इंडियंस डोंट यू नो मोस्टली लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, थोड़ी सी फीकी टाइप सी, मतलब वी नीड सम मसाला इन आर लाइफ्स. सो वो एक्चुअल टेस्ट था एलियो ओलियो का, ये एक्चुअल टेस्ट नहीं है, बट आई लाइक इट. ये दूसरी प्लेट है, मैंने इसका रिव्यू मतलब ले लिया पर मैंने इसका रिव्यू ऑन कैमरा नहीं लिया, तो बताओ जल्दी यार. खुशबू तो अच्छा लग रहा है, पर अभी अच्छा लग रहा है, मतलब पहले ठंडा हो गया, पहले ठंडा और चिपक गया था पूरा, तो क्यों चिपक गया था? क्योंकि तुम लेट आए थे. हाँ मतलब खुशबू अच्छी आ रही ना अब. हाँ खुशबू अच्छी आ रही है. इटालियन लोग क्या खाते हैं इसमें, मतलब या हमें हिंदुस्तान लोगों को मसाला पसंद है. मैंने यही बोला, इट्स गुड बट मतलब गुड प्रॉपर वो वाला एलियो ओलियो वाला टेस्ट है, टेस्ट है ना. बट ये लोग बताए सिर्फ क्या खाते हैं. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मेनली ऑलिव ऑयल डालता है और गार्लिक होता है. बनाया है मैंने तू समझ ली, स्पेशली ऑलिव ऑयल लेके आई थी स्पगेटी के साथ. बहुत सारी रेसिपीज अभी बनाई हैं, तभी तो इतना अच्छा लग रहा है, वरना अगर अपन वेजिटेबल ऑयल डाल देते ना तो धज्जियां उड़ जाती इसकी. ओके दिस वाज इट फॉर द वीडियो, आई कंप्लीटेड द टास्क्स एंड या आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ फन लगी होगी. आई वॉज लाइक यार न्यू ईयर की पहली वीडियो है तो कुछ तो इंजॉइंग होना चाहिए उसमें. And yeah, do let me know आपको कौन सा टास्क सबसे अच्छा लगा. And I'll meet you next week. Bye bye.